जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी हरदोई द्वारा ध्वस्त कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नगर मैजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रेषित किया गया है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह सोमवंशी ने कहा कि यूपी भाजपा की डबल इंजन की सरकार, जंगलराज की गारंटी, दलितों पर बढ़ते अत्याचार चिंताजनक, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार जंगलराज की गारंटी बन गई है। उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कहीं पेड़ से लटकी नाबालिग बहनों के शव, तो कहीं ईंटों से कुचलकर हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, तो कहीं भाजपा के द्वारा आईआईटी बीएचयू कैंपस में भाजपाइयों द्वारा गैंगरेप का दुस्साहस किया जा रहा है, तो कहीं न्याय न मिलने पर आत्महत्या के लिए महिला जज को मजबूर होना पड़ रहा है। शहर अध्यक्ष जमील अहमद अंसारी ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश का हाल है, जिसकी तारीफ बड़े बड़े विज्ञापनों में, सरकारी योजनाओं में की जाती है। जहां हाल ही में रामपुर के सिलाई बारा गांव में अंबेडकर स्मारक की मांग पर 10वीं की परीक्षा देकर लौटते दलित छात्रा सुमेश की पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या कर देना, सबूत छुपाने के लिए सुमेश के शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर देना, जैसा कि हाथरस प्रकरण में यूपी पुलिस द्वारा किया गया था। यूपी की जर्जर कानून व्यवस्था का यह सबसे निभस्त उदाहरण है। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।